हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आर पी एम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी एस सी ए जी फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग जो सब्जेक्ट है उससे रिलेट उसमें कार्नेशन की जो क्रॉप है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। कार्नेशन को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हिंदी में गुलनार के नाम से जाना जाता है और इसको डिवाइन फ्लावर या स्वर्ग का फूल के नाम से भी जानते हैं और इसको गार्डन पिंक के नाम से भी जाना जाता है। कार्नेशन के जो बोटनिकल नेम होता है वो डायन्थस कैरियोफिलस होता है। फैमिली की बात करें तो ये कैरियोफिलेसी का प्लांट्स है। क्रोमोजोम नंबर इसमें 2N2X बराबर 30 पाए जाते हैं। अगर इसके ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये साउदर्न फ्रांस इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, लगभग मध्य एवं दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र का कार्नेशन का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगर हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो ये सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन कोलंबिया में किया जाता है और ये क्रॉप कूल सीजन क्रॉप है, ठंडी वाली फसलों की क्रॉप है। कार्नेशन के लिए जो प्लांट्स है वो लंबे अवधि वाला पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। इसके लिए 21.5 के लक्स 8 घंटे में जो दिन का होता है उसके लिए 8 घंटे में इसके लिए इतनी प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसको पहली बार भारत में प्रवेश कराया गया, भारत में पहली बार उगाया गया था 1980 में, जो कि सिम टाइप कार्नेशन था। इसको 1980 में भारत में सर्वप्रथम उगाया गया था। अगला पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टैंडर्ड कार्नेशन। जो स्टैंडर्ड कार्नेशन है उसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर या तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो स्टैंडर्ड जो कार्नेशन होता है इसमें जो शीर्षस्थ पुष्प होता है उसको छोड़ करके जो अन्य पुष्प होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से जो आपका वन फ्लावर्स एक ही जो फ्लावर्स होता है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देता है और काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी विकसित होता है। जो कि जो दूसरा इसमें के स्प्रे टाइप होता है स्प्रे कार्नेशन, उसमें शीर्षस्थ जो कलिका होती है एपिकल बड्स होती है उसको तोड़ दिया जाता है, बाकी जो अन्य शाखाएँ अन्य वहाँ पर कलिकाएँ होती हैं उनको बढ़ने दिया जाता है। जो अन्य यहाँ पर शाखाएँ निकलती हैं उनको बढ़ने दिया जाता है। तो ये सिम टाइप का या स्प्रे टाइप का फ्लावर्स होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन। जो गुणवत्ता युक्त फ्लावर प्रोडक्शन है उसके लिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। जो इसका पुष्पक्रम का प्रकार होता है स्पाइक टाइप का होता है। सॉइल की बात करें तो इसके लिए लोमी और सैंडी लोम यानी दोमट या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, जो कि अच्छे जीवांशयुक्त मृदा होनी चाहिए, उसमें जल निकास भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है जो पिंक कार्नेशन है उसको डायन्थस प्लूमेरियस के नाम से जानते हैं और जो चाइनीज़ या फिर इंडियन पिंक्स है इसको हम डायन्थस चाइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है, जिसकी ओरिजिन चाइना मानी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है स्वीट विलियम। स्वीट विलियम जो होता है इसका बॉटनिकल नेम डायन्थस बारबेटस होता है, जो कि कमर्शियली ग्रोन किया जाता है बाई सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा प्रोपोगेटेड किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप इन द वर्ल्ड बाई थॉमस फेयरचाइल्ड। जो पहली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड थी वो थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा डेवलप की गई थी 1717 में कार्नेशन और स्वीट विलियम का क्रॉस करा के। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है मेजर वर्क ऑफ कार्नेशन इम्प्रूवमेंट। जो कार्नेशन के सुधार के लिए सबसे अधिक कार्य USA और फ्रांस में किया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है मार्ग्यूराइट या जो एनुअल कार्नेशन होता है उसको प्राप्त किया गया था डायन्थस चाइनेंसिस और डायन्थस कैरियोफिलस दोनों का क्रॉस करा के मर्ग्यूराइट या एनुअल कार्नेशन को प्राप्त किया गया और इसको सीड के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। तो इसमें सीड का भी ध्यान रखना कि कौन सी जो किस्म है या इसमें कौन सी जो स्पीसीज है वो
या जो वैरायटी हैं किसके द्वारा इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है परपेचुअल या पेरेनियल कार्नेशन, बहुवर्षीय जो कार्नेशन होता है जिसको डायंथस कैरियोफिलस और डायंथस चाइनेंसिस के द्वारा क्रॉस करा के डेवलप किया गया था, जो कि प्रोपोगेटेड किया जाता है। जो टर्मिनल स्टेम कटिंग्स होती हैं उनको कट कर लिया जाता है, जो कि लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो और उसमें 4 से 6 लीफ पेयर होने चाहिए, पत्तियों उसमें पत्तियों का पेयर जोड़ा होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ रूट फार्मेशन इन कटिंग, जब रूट फार्मेशन को बढ़ाना होता है कटिंग की, तो उसके लिए नेप्थिलीन एस्टिक एसिड का एट द रेट ऑफ 500 ppm प्रयोग किया जाता है। अगर जो भी कटिंग के द्वारा अगर हम जो आपकी परपेचुअल टाइप की है जो पेरिनियल टाइप की है उसमें हम कटिंग करते हैं, तो जो रूट के फार्मेशन के लिए वहाँ पर हम नेप्थिलीन एस्टिक एसिड को एट द रेट 500 ppm के दर से प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर रूट का फार्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इसके बाद अगला है प्लांट रेगुलेटर्स, इसमें जिब्रेलिक एसिड प्रयोग किया जाता है जो कि एट द रेट ऑफ 100 ppm इसका प्रयोग करते हैं। अगर जो जिब्रेलिक एसिड है अगर इसका हम प्रयोग दो बार इसी मात्रा में कर दें तो वहाँ पर जो फूल होते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है स्पेसिंग, स्पेसिंग की बात करें तो जो स्टैंडर्ड कार्नेशन है उसको हम 20x20 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड में सिर्फ एक जो शीर्षत कलिका होती वही बढ़ने दिया जाता है, बाकी अन्य जो फ्लावर्स होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। जबकि स्प्रे ये थोड़ा फैलने वाला होता है, इसमें अन्य शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है, तो इसको 30x30 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है ग्रीन हाउस डायरेक्शन, जो ग्रीन हाउस की डायरेक्शन इसमें की जाती है नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि ये अधिकतर ग्रीन हाउस में ही तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉलीथीन, जो थिकनेस है जो पॉलीथीन ग्रीन हाउस में यूज की जाती है वो 200 μm होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है पिंचिंग और स्टॉपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कार्नेशन, अगर आपको क्वालिटी युक्त कार्नेशन प्राप्त करना है तो उसके लिए पिंचिंग की जो प्रोसेस है वो ज़रूर करना चाहिए, जो कि ज़्यादातर किसान इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है पिंचिंग जो फर्स्ट की जाती है वो 4th week आफ्टर प्लांटिंग, यानी जब हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसके 4th सप्ताह में करनी चाहिए, लगभग जुलाई में। इसके बाद जो सेकेंड पिंचिंग है वो 7th week आफ्टर प्लांटिंग, मतलब पहली जो पिंचिंग कर रहे हैं वहाँ पर उसके लगभग 3 सप्ताह बाद दूसरी जो पिंचिंग है वो भी कर देनी चाहिए। पिंचिंग का मतलब होता है कि इसमें जो कलिकाएं होती हैं उसको हल्का से दबा दिया जाता है, जिसके कारण जो कलिकाएं बढ़ रही वो रुक जाती है वहीं पर। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है जो कोडाइकुनल है, ऊटी है और कोनूर जो प्लेसेस हैं वहाँ पर कार्नेशन की खेती बहुत ज़्यादा सुटेबल है या उपयुक्त है, वहाँ पर इसकी खेती बहुत ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं वैरायटीज़ पर, वैरायटीज़ इसकी IIHR वैरायटीज़ हैं, जैसे अर्का फ्लेम है जो कि फ्यूजेरियम विल्ट से सहनशील और नेमेटोड्स के प्रति भी सहनशील प्रजाति है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई है। इसके बाद अगली किस्म है अर्का तेजस। इसके बाद कुछ जो ग्रीन हाउस कंडीशन में सुटेबल वैरायटीज़ हैं जैसे वाइट जो फ्लावर देती हैं वाइट सिम है, पिंक जो फ्लावर देती हैं पिंक सिम, स्कॉरलेट विलियम सिम और किंग कार्डिनल, येलो में हैं किंग मिडास और गोल्डन वंडर, ये येलो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाली वैरायटीज़ हैं। इसके बाद 2 toned वैरायटीज़, इसमें डेयरी मेड है, ईस्टर्न वंडर है, पेलारगोनियम है, पेपरमेंट है, ये वैरायटीज़ 2 toned वैरायटीज़ हैं। इसके बाद टेट्राप्लॉयड कल्टीवार है, जैसे टेट्राप्लॉयड जो कि आपके इसमें सराफी और मैपडावियन है, जिसमें क्रोमोजोम नंबर 2N60 पाए जाते हैं, यन बराबर इसमें आपका 15 होता, तो ये आपकी टेट्राप्लॉयड किस्में हैं यहाँ पर। इसके बाद रिसेंटली जो डेवलप वैरायटी है वो पिको है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है रॉयल, जो रॉयल इसमें आपके वैरायटीज कार्नेशन तैयार किया गया वो
मेल मैसन और परपेचुअल को क्रॉस करके बनाया गया है। तो इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं, रॉयल फैंसी है, वाइट परफेक्शन है, वीविल फील्ड्स हैं, ये रॉयल कार्नेशन की वैरायटीज़ हैं। इसके बाद अगला है लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ कल्टीवार, जो कि सबसे अधिक सेल्फ लाइफ वाली जो कल्टीवार है वो रोनाल्ड है। तो ये भी वैरायटी याद रखना, ये भी आपके पूछी जा सकती है। इसके बाद रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट से रेसिस्टेंस वैरायटीज़ हैं आर्बेल और स्कारलेट। इसके बाद ट्रांसजेनिक जो कार्नेशन वैरायटी हैं वो मून डस्ट हैं, जो कि वायलेट पर्पल कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद हम इसमें पेस्ट और डिजीज देख लेते हैं। तो इसमें रेड स्पाइडर माइट अधिक लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टेट्रानिकस यूरिटिसी। ये काफ़ी सीरियस पेस्ट होता है, जब गर्मियों के दिनों में ये काफ़ी जो रेड स्पाइडर माइट है ये काफ़ी देखने को मिलती है और काफ़ी क्षत पहुंचाती है। इसके बाद अगला है मोस्ट कॉमन एंड डिवेस्टिव डिजीज़, इसमें फ्यूजेरियम विल्ट लगता है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फार्मा स्पेशलिस्ट डाइएंथाई के द्वारा लगता है। ये काफ़ी हानिकारक और बहुत ही कॉमन डिजीज़ है फ्यूजेरियम विल्ट कार्नेशन का। इसके बाद अगला है फ्लावर ब्लाइट, जो कि बोट्राइटिस सिनेरिया के द्वारा लगता है, और एक और डिजीज़ है स्टेम रॉट, जो कि राइजोक्टोनिया स्पीसीज के द्वारा ये डिजीज़ लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक डिजीज़ है और वो है आपका फ्यूजेरियम विल्ट, और जो इसमें इंसेक्ट हैं वो रेड स्पाइडर माइट है। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कार्नेशन में देखने को मिलते हैं, जैसे पहला है कैलिक्स स्प्लिटिंग, जो कि बहुत ही कॉमन होता है जो डबल कार्नेशन होते हैं उसमें, जो कि लो टेम्परेचर के कारण होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाता है तो उस कंडीशन में जो कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। लो नाइट्रोजन होता है, या आप अधिक मात्रा में अमोनिकल जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तब भी ये डिसऑर्डर हो जाता है, और बोरान की जो कमी है उसके कारण भी जो कैलिक्स हैं वो फटने की समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद अगला डिसऑर्डर है स्लीपीनेस, ये जो डिसऑर्डर है ये जो इथिलीन है उसका अधिक मात्रा में अगर उत्पादन हो रहा है तब होता है, या हाई स्ट्रेस है तब उसके कारण स्लीपीनेस डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया स्टोरेज टेम्परेचर, अगर हम कार्नेशन के फ्लावर का स्टोरेज कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो आइडियल स्टेज होती है हार्वेस्टिंग की, लॉन्ग अगर डिस्टेंस आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो पेंट ब्रूस स्टेज, जो पेंट ब्रूस होता है उसके उस प्रकार का अगर फ्लावर्स हैं तब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम उसको थोड़ा ही करते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर सेमी ओपन स्टेज, जब ओपन स्टेज होती है तो उस समय आपके फ्लावर हल्का हल्का खुल रहे हों तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसको तुड़ाई कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो रेड जो हम ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार से, ये पेंट ब्रश मतलब बंद हो आगे एक तरफ, तभी हम इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है टाइंटिंग प्रोसेस इज डन इन कार्नेशन। तो टाइंटिंग प्रोसेस, अगर टर्न पूछता है कि टाइंटिंग किस में की जाती है, तो ये कार्नेशन में की जाती है, जो कि टाइंटिंग का मतलब होता है अगर हम आर्टिफिशियल जो कलर का प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कार्नेशन फ्लावर में जो कि वाइट कलर के होते हैं, तो उसको हम टाइंटिंग बोलते हैं। तो कैसा था हमारा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।